नमस्कार भैया, विद्या भारती आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम पिछले चैप्टर से चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ते चुंबकीय क्षेत्र अच्छे से रखाएंगे। चुंबक के बारे में कुछ अध्ययन किया, अब हम कुछ अध्ययन करते हैं चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक, दोनों ही परिभाषाएं हैं, वो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। हम जानते हैं कोई भी क्षण चुंबक होती है, उसके दो ध्रुव होते हैं, एक एन ध्रुव एक एस ध्रुव। एन ध्रुव नॉर्थ, उत्तर, साउथ, दक्षिण। ऐसे ही कोई कंपास बॉक्स होता है, उसमें भी एक छड़ होती है, उस छड़ में एक सिरा एन होता है, एक सिरा एस सिरा होता है। तो कंपास बॉक्स को जब हम स्थिर रखते हैं तो कंपास बॉक्स का जो सिरा उत्तर दिशा की ओर ठहरता है उसे उत्तरमुखी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण दिशा में ठहरता है उसे दक्षिणमुखी ध्रुव कहते हैं। तो परीक्षा में पूछ लेंगे उत्तरमुखी ध्रुव किसे कहते हैं, तो कंपास बॉक्स या कोई भी छड़ चुंबक हो, जब हम स्वतंत्रता पर जैसे छड़ चुंबक है इसको हम धागे से बांध के लटकाएंगे, तो इस चुंबक का जो सिरा दक्षिण दिशा में ठहरेगा उसे दक्षिणमुखी ध्रुव कहेंगे, और जो सिरा उत्तर दिशा में ठहरेगा रुकेगा उसे उत्तरमुखी ध्रुव कहते हैं। तो दो सिरे होते हैं, एक एन उत्तर सिरा एक दक्षिण सिरा। तो ये तो बात हो गई चुंबक की, चुंबक क्या आता है, छड़ चुंबक क्या आता है। नान चुंबक भी होती है जो नार के आकार की कहते हैं, यू आकार की, उसमें भी एक सिरा एन होता है एक एस सिरा होता है, इस प्रकार की अगर संरचना हो तो उसे हम नाल चुंबक कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या। कोई भी जब चुंबक होता है, जैसे ये कोई चुंबक है, ये इसका एन सिरा है, ये एस सिरा है, तो चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र होता है, एक निश्चित क्षेत्र। उस क्षेत्र में उस चुंबक के प्रभाव को महसूस किया जाता है, उस क्षेत्र को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब कोई इस चुंबक के पास में यदि हम कोई दूसरा चुंबक लाए, जैसे ये एन सिरा है, दूसरे चुंबक का एस सिरा जो इसके पास में लाते हैं, तो एक निश्चित दूरी तक लाने के पश्चात जब उस क्षेत्र में, उस चुंबक के क्षेत्र में जब ये चुंबक प्रवेश करेगा तो वह उस, तो दूसरा चुंबक इस पे एक बल अनुभव करेगा। इस क्षेत्र के बाहर जब तक वह चुंबक होगा इस पर कोई बल महसूस नहीं होगा। तो कहने का मतलब एक निश्चित क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में ही उस चुंबक के प्रभाव को महसूस किया जाता है, उसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या होगी कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस चुंबक के प्रभाव को महसूस किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब आगे बताया कि चुंबक का जब एन सिरे के पास में एस सिरा लाते हैं तो वो एक दूसरे को दोनों आकर्षित करते हैं। अब यदि एन सिरे के पास में एन सिरा लाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी समान ध्रुव हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव है सॉरी समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो एन के पास एन लाओगे तो ये दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और यदि एन के पास में एस सिरा लाओगे तो यह उसे अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो ये नियम है, चाहे एस के पास एस लाओगे तो वो प्रतिकर्षित होगा, एन के पास एस लाओगे तो भी वो प्रतिकर्षित होगा, लेकिन एन को एस के पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये तो हमने चुंबकीय क्षेत्र की बात की कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव को महसूस किया जाता है वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र के पश्चात में हम एक दूसरा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, चुंबक जैसे ये चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है कि चुंबक के चारों ओर उसके चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए, कि चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको प्रदर्शित करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है। ये काल्पनिक होती है, हमेशा ध्यान रखना कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो काल्पनिक है और कंपास बॉक्स की सहायता से उसकी मदद से खींची जाती है। अभी आपने जो पुस्तक देखी उसमें वो पैटर्न नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी
की पुस्तकों में ये पैटर्न है कि जैसे हम एक कार्डबोर्ड ले, उसके ऊपर एक छड़ चुंबक रख दें, उस पर हम लोहे का बुरादा डालकर, अगर हम कार्डबोर्ड को बुरादा तो डाल रहे हैं वो बिखेरना है उसके चारों ओर, जैसे अपन नमकदानी से नमक डालते हैं, तो जैसे नमकदानी का उपयोग करके अगर हम लोहे का बुरादा चुंबक के चारों ओर डाल दें और उस कार्डबोर्ड को अगर थोड़ा सा तपाएंगे तो एक पैटर्न बनेगा। वो पैटर्न ऐसा होगा कि जैसे ये चुंबक है सिराई है सिरा, तो जो अब चुंबक पहले तो बात करते कि चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा क्या होती है, परीक्षा में आता है चुंबक के क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित कीजिए, तो चुंबक के क्षेत्र रेखा की परिभाषा होती है कि चुंबक के क्षेत्र के चुंबक के चारों ओर चुंबक के क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं चुंबक के क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। अब इन काल्पनिक रेखाएं अपनी इच्छा से नहीं खींच सकते, उनको कुछ नियमों के आधार पर भी खींचना होता है। तो सबसे पहले इसके चुंबक के क्षेत्र रेखाओं के जो गुण होते हैं, तो चुंबक के क्षेत्र रेखा का पहला गुण क्या होता है कि जो चुंबक के क्षेत्र होता है वो एक सदिश राशि यानी एक निश्चित दिशा होती है, उसकी दिशा है वो निश्चित होती है और इसका परिमाण भी होता है। परिमाण भी आपको मैंने बताया कि चुंबक के पास में चुंबक के क्षेत्र ज्यादा होता है, दूर जाने पर कम होता है, मतलब उसका मान होता है चुंबक के क्षेत्र का, कि जहां मान ज्यादा होगा वहां वो आकर्षित होंगे, ज्यादा होंगे दूर ले जाने पर उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता है, तो उसका प्रभाव कम होगा। तो पहला इसका गुण क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा सदिश होती है और उनका परिमाण भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखा सदिश होती है, पहली बात की हमने, जो सदिश मतलब इनकी एक निश्चित दिशा होती है, तो इसका दूसरा गुण इसी पे आ रहा है, तो दूसरा और तीसरा गुण कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के बाहर, अब जैसे ये चुंबक है, चुंबक के बाहर हमेशा ध्यान रखना चुंबकीय क्षेत्र रेखा जैसे ये एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये एक ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो एक सिरे से निकलती है दूसरे सिरे पे जाती है, तो हमेशा ध्यान रखना चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होके दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है, यानी एन से शुरू होती है, इसकी जो दिशा दर्शाई जाती है वो एन से एस की ओर, जो दिशा दर्शाई जाती है वो N से शुरू, मतलब कहने का मतलब N से शुरू होती है चुंबक के बाहर और चुंबक के S सिरे पे वो समाप्त होती है। तो चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है, ये पहला गुण। तो इसकी दिशा जो तीर के निशान जिस पे दर्शाए जाते हैं वो सही होने चाहिए, अगर आपने एस से एन की ओर लगा दिए तो वो गलत हो जाएगा। तीसरा गुण इसका है कि ये तो चुंबक के बाहर बात की, अभी चुंबक के भीतर उल्टा है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एस से एन दिशा में होती है, चुंबक के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो एस से एन दिशा में होती है, तो इसका इसकी दिशा चुंबक के भीतर एस से एन और चुंबक के बाहर एन से एस, ये तीसरा गुण हो गया। चौथा गुण है कि जैसे हमने अभी पढ़ा दूसरा तीसरा गुण चुंबकीय क्षेत्र रेखा एन सिरे से शुरू होती है एस सिरे पे जाती है और चुंबक के एस सिरे से शुरू होकर भीतर एन पे जाती है, तो यानी एन से शुरू हुई वापस समाप्त कहां होगी एन पर, तो कहने का मतलब एक बंद वक्र बन गया है। तो चौथा गुण इसका है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, यानी एन से शुरू हुई एन पे समाप्त होगी तो एक पूरा वक्र बन गया, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को, जैसे एक रेखा है और ये दूसरी रेखा, तो ये एक दूसरे को कभी भी ऐसे काटेगी नहीं, क्यों, क्योंकि जहां काटती है वहां दो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं और कोई भी कंपास बॉक्स कोई भी दिक सूचक है वो दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक बिंदु पर कभी प्रदर्शित नहीं कर सकता, इसलिए इसका पांचवा गुण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, इसका पांचवा गुण है। फिर इसके अलावा भी गुण है लेकिन पांच मैंने आ लिखे हैं, और भी अन्य गुण है, जैसे चुंबक के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है, और एक चीज ध्यान रखना कि जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर होती है वो क्षेत्र प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो चुंबक के भीतर होती है वो एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा अन्य गुण भी है, जैसे जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, और पास पास कहां होती है सबसे ज्यादा उसके सिरों पर, चुंबकीय क्षेत्र रेखा
चुंबक के सिरों पर पास पास होती है, निकट होती है, इसलिए सिरों पर तो चुंबक के क्षेत्र का मान ज्यादा होता है और जहां चुंबक के क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहां दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रबल होता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के गुणों की बात की, ये दोनों ही टॉपिक और इसमें जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है। अभी बीच में एक चीज है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, हालांकि ये किताब में दिया हुआ नहीं है लेकिन फिर भी कई बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। कोई आपसे पूछ लेता है किताब में नहीं दिया हुआ लेकिन पूछने में वाला आपको पूछ सकता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एक वैज्ञानिक है टेस्ला, उनके नाम पे इसका मात्रक टेस्ला भी होता है, या इसका मात्रक होता है न्यूटन एम्पियर, न्यूटन बटा एम्पियर गुणा मीटर। तो ये भी इसका मात्रक है या फिर इसका मात्रक आप टेस्ला भी लिख सकते हो। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका ये टॉपिक है, ये भी पूर्ण नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा और टॉपिक है वो अभी हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये ऐसा सिद्धांत है जिस पर जो जनित्र है वो कार्य करते हैं, जो बिजली बनाते हैं अपने घरों में, जो बिजली बन के आती है या जो जनरेटर होते हैं उनसे जो बिजली बनती है वो इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो बड़े बिजली घर हैं वहाँ पर जो बिजली बढ़ती है वहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का उपयोग किया जाता है, और जो जनरेटर है उनमें भी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होती है। वैसे बैटरी वगैरह जो होती है वो उनमें दिष्ट धारा जनित्र होती है, जैसे गाड़ियों में ट्रेनों में जो भी बिजली बनती है वो दिष्ट धारा जनित्र, लेकिन सिद्धांत यही कार्य करता है। इस सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं जो फैराडे ने बनाया है। किसने बनाया था? माइकल फैराडे, पूरा नाम था माइकल फैराडे। फैराडे ने इस सिद्धांत को बताया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब प्रेरण शब्द का अर्थ समझते हो, प्रेरणा देना, किसी को प्रेरित करना, प्रेरण का मतलब होता है प्रेरित करना। अब कोई चीज प्रेरित होगी तो प्रेरित होने से यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब किस प्रकार से ये कार्य करता है, कैसे होता है, तो पहले हम इसकी भाषा पढ़ते हैं, बाद में इसको समझेंगे कि इसको याद रखना है तो कैसे रखना, किसी भी चीज को रटना नहीं, समझना कि किसी चुंबक व कुंडली के मध्य, एक चुंबक ले एक कोई भी कुंडली ले, उन दोनों के मध्य सापेक्ष गति। सापेक्ष गति का मतलब क्या होता है? या तो कुंडली गति करे चुंबक स्थिर रहे, या चुंबक गति करे कुंडली स्थिर रहे। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसको बोलते हैं सापेक्ष गति, जो एक दूसरे के अनुदिश होती है। तो किसी चुंबक व कुंडली के मध्य सापेक्ष गति के कारण, दोनों में से कोई भी एक गति करेगा, उस गति के कारण कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र के मार्ग में परिवर्तन होगा। तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव को, तो कुंडली में जो विद्युत का प्रभाव या विद्युत धारा जो उत्पन्न होगी उसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जैसे कि माना ये कोई कुंडली है, इस कुंडली को गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत धारा का संसूचन करता है। गैल्वेनोमीटर क्या है? ऐसा यंत्र है जो विद्युत धारा का संसूचन करता है, जो बताता है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, बन रही है कि नहीं बन रही है, वो सारी ये बताता है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर की सुई, उसके अंदर सुई होती है, उस सुई में यदि विक्षेप उत्पन्न होता है तो इसका मतलब विद्युत धारा बढ़ रही है, प्रेरित हो रही है। अगर विक्षेप नहीं होता है तो विद्युत धारा प्रेरित नहीं होती। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत धारा का संसूचन करता है। तो ये कुंडली होगी। अब इस कुंडली के पास में हमने एक चुंबक रख दिया। आप हमने कल जो पिछला टॉपिक है उसमें पढ़ा था कि चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अब कुंडली या चुंबक, या तो कुंडली या चुंबक, दोनों में से मान लीजिए चुंबक को हम कुंडली की ओर ले जाएं, तो कुंडली को जब चुंबक को कुंडली की ओर ले जाएंगे तो कुंडली जो चुंबक है, चुंबक से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, जब कुंडली को कुंडली के पास में चुंबक को लाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा गुजरेगी, और जब दूर ले जाएंगे वापिस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब
कुंडली चुंबक को जब कुंडली के पास में ले जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि होगी, दूर ले जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी होने से या वृद्धि होने से जो चुंबकीय क्षेत्र के मान में जो परिवर्तन होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होने से इस कुंडली में विद्युत धारा बनेगी, प्रवाहित होगी, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबक को हम स्थिर रख सकते हैं, कुंडली को भी पास ला सकते हैं, दूर ले जा सकते हैं। कहने का मतलब ये कि दोनों में से एक को स्थिर रखो, एक को गति करो, तो इसी को बोलते हैं सापेक्ष गति। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होगा कि जब किसी चुंबक व कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में या चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के कारण जो कुंडली में विद्युत धारा का प्रभाव प्रदर्शित होता है या विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसकी व्याख्या मैंने जो बोली है वो लिखी हुई है कि जब चुंबक व कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है तो कुंडली के काट से, ये जो कुंडली का काट है, तल बोलते हैं, काट बोलते हैं, पृष्ठ बोलते हैं, तो कुंडली के काट से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। पास आएगी तो वो बढ़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, दूर ले जाएंगे तो वो कम हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन, जिसे हम चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं, इसका एक दूसरा है चुंबकीय फ्लक्स, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसी सिद्धांत के ऊपर जनित्र वो कार्य करते हैं, बिजली बनाते हैं, जो अपने घरों में आती है या शादी में जनरेटर में बनती है। तो वो जनरेटर एक छोटा जनित्र है और बड़े जनित्र वो बिजली घर से होते हैं उनमें होते हैं। तो ये अब एक नाम आया चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है कि जैसे ये कोई भी तल, जैसे ये कोई तल है, ये कोई तल है या कोई पृष्ठ है। अब इस हमें पता है कि चुंबकीय चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो जब हम इसको पास में लाएंगे तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी, दूर जैसे जैसे ले जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम होती जाएगी। तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा यही है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसमें रखे किसी पृष्ठ या तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, पास लाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी, यानी चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्यादा होगा, दूर ले जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी, क्या मतलब चुंबकीय फ्लक्स का मान कम हो जाएगा। तो गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या का उस पृष्ठ से संबंध क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो ये चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा हो गई। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो एक वैज्ञानिक है वेबर, उनके नाम पे इसका मात्रक होता है वेबर, इसको डब्ल्यू बी से भी लिखा जाता है। तो इसका मात्रक याद रखना है क्योंकि छोटे प्रश्नों में पूछा जाता है। तो ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स और ये हो गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब आपको परीक्षा में ये पूछा जाता है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको उत्तर क्या लिखना है कि विद्युत जनित्र है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अब हमें पढ़ना है जनित्र। तो जनित्र हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। जनित्र अपने कोर्स में दो है, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, एक दिष्ट धारा जनित्र, जो दोनों इम्पोर्टेंट बड़े प्रश्नों में, जो हम अगले अध्याय में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।